नमस्कार मेरे प्यारे दुलारे न्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका ही अपने YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फोक डांस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विशेष करके ट्रिक के सहारे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रिक जो है काफ़ी दमादार है, काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी चटपटा है, काफ़ी मनोरंजक है। आप लोगों को आज कॉमेडी भी लगेगा, आज पूरा आप लोगों को मज़ा आने वाला है इस आपको ट्रिक को देख करके और सुन करके भी। तो इस तरीके से इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पर इसमें आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आप लोग को काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य को, और आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं। सबसे पहले आइए भारत के प्रमुख लोक नृत्य समझने से पहले, इस भारत के प्रमुख लोक नृत्य को देखें, उससे पहले हम लोग लोक नृत्य को समझ लेते हैं कि आखिर में लोक नृत्य होता क्या है। लोक शब्द जो है फ्रेंड्स, ये लोगों से जुड़ा हुआ है, और नृत्य मतलब नृत्य अर्थात लोगों का नृत्य। ये किसी संस्था विशेष का नहीं होता है, अर्थात मान लिया जाए कि जैसे माइकल जैक्सन है, उनके एक डांस का स्टाइल है, तो हो सकता है कि वे बड़े डांसर थे और उनके द्वारा बहुत प्रकार के डांस के मूव्स दिए गए, बहुत प्रकार के जो आपको शैली थी डांस के, नृत्य के शैली थी, उनके द्वारा प्रदान किए गए दुनिया को, तो वे उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यह जो डांस होता है लोक नृत्य, ये किसी खास व्यक्ति के द्वारा आपको संचालित नहीं होता है, उसके द्वारा यह दिया गया नहीं है, ये एक समुदाय के द्वारा होता है, समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा। वो समाज के लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, उनका व्यवसाय कुछ भी हो, ये सारा चीज़ जो है उनके परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिएगा कि हर घर में, अगर हिंदू समाज में देखा जाए तो प्रत्येक घर का लोग जो है उनके खास प्रकार के देवता होते हैं, देवी देवताओं की पूजा होती है, कहते हैं मेरे घर के देवता है। तो उसी प्रकार से उनकी पूजा करना, उनको आराधना करना, उनकी पूजा आराधना करना, उनके साथ साथ गाना भी गाना, और उसके साथ साथ कभी नाचना, ब्याह शादी जन्म मृत्यु के समय ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, यही सब जो है फ्रेंड्स एक तरीके से लोक नृत्य कहलाती है। तो लोक नृत्य विभिन्न अवसरों पर होता है, जैसे कि अगर धान गेहूँ अगर फसल उगाते हैं, कटनी पिटनी के समय भी ये सारा चीज़ जो है होते रहता है। तो आप लोगों को लोक नृत्य समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, खास करके ये जो है पब्लिक का आपको डांस है, ये किसी खास व्यक्ति द्वारा, पार्टिकुलर व्यक्ति द्वारा इसकी आपको एक तरीके से बोला जाए कि इसका निर्माण नहीं हुआ है, या नियम उसके द्वारा नहीं दिया गया है कि इसी तरीके से नाचिएगा, और इसमें कोई खास प्रकार के वाद्य यंत्र अर्थात जो भी बैंड बाजा का यूज होता है, जो भी उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, वो भी कोई खास प्रकार का नहीं होता है। वह जो देहाती परिक्षेत्र के जो लोग होते हैं, ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग, वही अपने तरीके से जो भी चीज़ मिल गया बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। ठीक है, जैसे होली में सुनते होइएगा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, तो ऐसे नहीं। आइए अब समझते हैं सबसे पहले लोक नृत्य को, उसके बाद हम लोग ट्रिक के सहारे देखेंगे। लोक नृत्य उस परंपरागत नृत्य को कहते हैं, परंपरागत मतलब ट्रेडिशन, जो शुरू से चला आ रहा है, मतलब मेरे दादा परदादा किया करते थे, अब हो रहा है। तो होली में ये सब सारा चीज़ जो है देखने को मिलता है। तो लोक नृत्य उस परंपरागत नृत्य को कहते हैं जो किसी विशेष नियम पद्धति से संचालित न हो। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ये विशेष प्रकार के लोगों के समूह के द्वारा नाचा जाता है, और सारे लोग कैसे भी नाच सकते हैं, गा सकते हैं, झूम सकते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो यह किसी खास तरह के जलवायु प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के व्यवसाय, धर्म, जन्म, मृत्यु, परंपरा आदि से संबंधित होता है। बहुत प्रकार के बच्चा जन्म भी लेता है, तो आप लोग देखते होइएगा कि आते हैं लोग, वे नाचने आते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उसके यहाँ, तो तमाम तरह की नाचें होती हैं, और बजाना गाना ये सारा चीज़ जो है चलता है। तो इस तरीके से उनके व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ होता है, जो कृषि कार्य करते हैं, तो अधिकांश जो देखा जाए डांस या गाना, लोक नृत्य और लोक गीत भी होता है। तो इसमें हम लोग लोक नृत्य अर्थात डांस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह जो विशेष करके आपको जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं, कृषि का फसल कटना हो या पिटाई हो, उस समय भी ये सारी चीज़ें होती हैं। लोक नृत्य की विशेषता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। लोक नृत्य की विशेषताएं, सामान्यतः यह नृत्य 19वीं शताब्दी या उससे पहले के हैं। सामान्यतः 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 1800 ईस्वी के पहले का है, 1800 ईस्वी के पहले का है, या 1800 ईस्वी से लेकर के 1899 तक, इसी को हम लोग 19वीं शताब्दी कहते हैं। आइए, यह व्यक्ति विशेष के नियमों द्वारा संचालित नहीं होता है, यह सामाजिक लोगों के द्वारा विकसित होता है। समाज में लोग जो है नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, उनकी परंपरा जो है ये संस्कृति है, कल्चर से, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, ये सारी चीज़ें उनसे जुड़ी रहती है। यह आम जनों का नृत्य होता है, जो विभिन्न अवसरों से जुड़ा हुआ होता है तथा खास संस्था से जुड़ाव नहीं होता है। इसका जो है किसी खास संस्था, किसी खास इंस्टीट्यूट से इसका जुड़ाव जो है नहीं होता है। आइए गुजरात को सबसे पहले देख लेते हैं। गुजरात में जो रासलीला है, झकोलिया, झकोलिया को हमारे यहाँ फ्रेंड से एक तरीके से बोला, ग्रामीण परिक्षेत्र में झोपड़ी को भी झकोलिया बोलते हैं, झोपड़ी, झोपड़ी का घर होता है उसको झकोलिया बोलते हैं। देखिए ट्रिक में कितना मजा आएगा। तो रासलीला, झकोलिया, दीपक, गरबा, डांडिया और गणपति। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, देखिए गुजरात जो है यहीं पर है, रेड वाला जो क्षेत्र है भारत का, यही गुजरात है। ट्रिक से कैसे याद रखिएगा इसको, देखिए हंसिएगा मत। गुजारी रात रसीली संग झकोलिया में दीपक बुझाकर, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है,
वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है कि गुजारी रात रसीली संग, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रसीली है, सोच सकते हैं, गुजारी रात रसीली संग झकोलिया में दीपक बुझाकर, झकोलिया मतलब झोपड़ी, गुजारी रात रसीली संग झकोलिया में दीपक बुझाकर इस गरीब को डंडे से कोई नहीं कोई मारेगा तो नहीं। बाद में पूछता है उसी लड़की से, रसीली से वो लड़का, कि इस गरीब को डंडे से कोई मारेगा तो नहीं, तो बोलती है नहीं मारेगा, चल गणपति की पूजा करने, चलो अब गणपति की पूजा करने। ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, गुजारी रात रसीली संग झकोलिया में दीपक बुझाकर, तो उसको डर लगता है तो बोलता है उस लड़की से, रसीली से, इस गरीब को डंडे से कोई मारेगा तो नहीं, तो बोलती है नहीं मारेगा भाई, चल गणपति की पूजा करने। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, अब गुजारी रात से गुजरात, रसीली से रासलीला, झकोलिया से झकोलिया, दीपक से दीपक, इस साइलेंट है, गरीब से गरबा, डंडे से डांडिया, ये सारा साइलेंट है, मारेगा भी चल ये भी साइलेंट है, गणपति से गणपति। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, गुजारी रात रसीली संग झकोलिया में दीपक बुझाकर, इस गरीब को डंडे से कोई मारेगा तो नहीं, तो वो बोलती है नहीं मारेगा भी चल गणपति की पूजा करने। आइए बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। बिहार में विद्यापति धोबिया करिया, धोबिया का मतलब धोबी जाति से संबंधित होता है, करिया मतलब काला को बोलते हैं, और लौंडा मतलब बेटा को या पुत्र को, लौंडा नाम से भी जानते हैं उत्तर, आपको उत्तर भारत में विशेष करके बिहार यही है, और पमड़िया, खोल और जोगीड़ा, होली में आप लोग सुने हुईगा जोगीरा सा रा 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 जोगी जी वाह। आइए ट्रिक को देखते हैं थोड़ा सा, ट्रिक में देखिए, हवा बहता है जब फागुन आता है तो उसमें जोगीरा चालू हो जाता है हमारे उत्तर भारत में खास करके, तो बयार मतलब हवा होता है, बयार जब होली का बहे तो विद्यापति धोबिया के करिया लौंडा से बोली, मतलब करिया मतलब एक धोबी है उसी का पुत्र है वो काला है, तो उसी को बोलती है बयार जब होली का बहे तो विद्यापति, गाँव के कोई मुखिया हैं उन्हीं का नाम है, तो सुनिए, बयार जब होली का बहे तो विद्यापति धोबिया के करिया लौंडा से बोली, जा पूरा पावर दिया होली में खेल का जुगाड़ कर, मतलब होली में खेल होता है, होली का रंग से लोग खेलते हैं, तो वही बोलता है जाके व्यवस्था करो, अब तुमको पूरा पावर दे दिए हैं, जाके घूम करके जो भी व्यवस्था करना है करो, होली में सब कोई मिल के खेलेगा। तो बयार जब होली में होली का बहे विद्यापति धोबिया के करिया लौंडा से बोली, जा पूरा पावर दिया होली में खेल का जुगाड़ कर। तो यहाँ पर देखिए बयार से आप लोग बिहार याद रखिएगा, जब होली का बेटे तो ये साइलेंट है बहे, ये साइलेंट है, जब होली का बहे तो साइलेंट है, विद्यापति से विद्यापति, धोबिया से धोबिया, करिया से करिया, लौंडा से लौंडा से आपको बोली जा पूरा, ये भी साइलेंट है, पावर दिया से पंवड़िया आप लोग याद रखिएगा, पावर दिया से पंवड़िया होली में, और खेल से खेला, और जुगाड़ से जोगीड़ा, जैसे होली में जोगीरा धीरे धीरे जोगीरा बाह जोगी जी चलता है, ऐसा है। उत्तर प्रदेश में आइए थोड़ा सा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, नौटंकी, चैता, थाली, छपेली, दिवाली, चाचरी और झूला, झूला भी लोग झूलते हैं, काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश का ये सारा है, उत्तर प्रदेश यही है, देख सकते हैं मैप में। आइए अब इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे और याद रखेंगे। एक लड़की है कजरी नाम की, वह क्या करती है, तो वो नौटंकी करती है, ठीक है, वह नौटंकी करती है, और नौटंकी करते समय उसके सामने से कोई गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, कोई आ रहा है शहर से, तो देखिए क्या बोलती है, गाड़ी से उतरो परदेसी बाबू, इस कजरी का रसीला नौटंकी देख लो, क्या बोलती है, गाड़ी से उतरो परदेसी बाबू, इस कजरी का रसीला नौटंकी देख लो, चीता जैसी चाल है मेरी, छिपकली जैसी अदाएं, घर में जब दिवाली पर जाऊं, चाची झूला छोड़ थाली लिए दौड़े मेरे पास आए। थोड़ा सा देखिए, गाड़ी से उतरो परदेसी बाबू, इस कजरी का रसीला नौटंकी देख लो, चीता जैसी चाल है मेरी, छिपकली जैसी अदाएं, घर में जब दिवाली पर जाऊं, चाची झूला छोड़ थाली लिए दौड़े मेरे पास आए, कि ले मिठाई खा ले कजरी, कजरी को मानती है, पैसा मिलता है उसको नाचती है, तो गाड़ी से साइलेंट है, उतरी उतरो परदेसी से आप उत्तर प्रदेश बाबू, इस साइलेंट, कजरी से कजरी, रसीला से रासलीला, नौटंकी से नौटंकी, चीता से चैता याद रखिएगा, जैसी चाल मेरी ये साइलेंट है, छिपकली से छपेली जैसी अदाएं साइलेंट, घर में जब ये भी साइलेंट है, दिवाली में दिवाली हो गया, चाची से चाचरी याद रहेगा, झूला से झूला और थाली से थाली। तो क्या है ट्रिक हमारा, गाड़ी से उतरो परदेसी बाबू, इस कजरी का रसीला नौटंकी देख लो, चीता जैसी चाल है मेरी, छिपकली जैसी अदाएं, घर में जब दिवाली पर जाऊं, चाची झूला छोड़ थाली लिए दौड़े मेरे पास आए। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। आइए हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में थाली, सांगला, डोगी, चंबा, डांगी और आपको डंडा नाच, धमान काफ़ी फेमस है, यह है आपको हिमाचल प्रदेश पड़ता है यहीं पर जम्मू कश्मीर के नीचे। तो हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, थाली, सांगला, डांगी, चंबा, डांडी, डंडा नाच, धमान, इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, एक हिमा
नाम की औरत है, बुढ़िया हो गई है। चंबल नदी के किनारे उसका खेत है, धान का खेत है, और उसी में अपने घर से रोटी लेती है, साग लेती है और जाती है अपने खेत में धान काटने, जो भी हो। और वह कुत्ता पाली है, उसका नाम है डॉगी। तो देखिए क्या है, हीमा नाम की उस लड़की है। धूप काफ़ी उगा हुआ है, धूप पूरा का पूरा है, दोपहर का समय है। तो हीमा आंचल ओढ़े थाली में रोटी साग लेके अपने, देखिए हीमा आंचल ओढ़े थाली में रोटी साग लेके अपने डॉगी संग चंबल किनारे डंडा सहारे धान के खेत चली। क्या है, हीमा आंचल ओढ़े थाली में रोटी साग लेके अपने डॉगी संग चंबल किनारे डंडा सहारे धान के खेत चली। वो बुढ़ी हो चुकी है, तो डंडा का सहारा लेकर भी चल रही है। तो हीमा और आंचल से हिमाचल प्रदेश, थाली से थाली हो गया, रोटी साइलेंट है, साग से सांगला, डॉगी से डॉगी है, चंबल से चंबा किनारे साइलेंट, डंडा से डांगी। और यहीं पर एक डंडा से डंडा आया है और धान से डंडा नाच, डंडा से डांगी भी है और डंडा से डंगा नाच, और ये धान से धमान। तो इस तरीके से आप लोग डंडा नाच धमान इसको याद रख सकते हैं, धान से डंडा नाच धमान। तो इस तरीके से आपको हिमाचल प्रदेश का भी याद हो गया होगा। आइए पंजाब और हरियाणा को देखते हैं। पंजाब विशेष करके यह है फ्रेंड्स, उसके नीचे हरियाणा है। हरियाणा को मैंने एक मैप में नहीं दिखाया है, बस उसके नीचे ही है और दोनों में काफ़ी समानता है, पहले एक ही था, विभाजित हो गया बाद में जा करके। तो पंजाब और हरियाणा में जो फेमस है उसको देख लेते हैं। शांग, गिद्धा, धमान, डफ और भांगड़ा काफ़ी फेमस है। भांगड़ा तो आप लोग जानते होइएगा, तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, शांग, गिद्धा, धमान, डफ, भांगड़ा। एक हरिया नाम का लड़का आपको आदमी है, आपको ग्रामीण प्रक्षेत्र का कोई व्यक्ति है, उसका हरिया नाम है। तो हरिया के सर पर पंजे में सांप लेकर गिद्ध ने धम्म से छोड़ा। सांप लेकर आया, हरिया के सर पर पंजे में सांप लेकर के आता है और गिद्ध को, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइएगा, हरिया के सर पर पंजे में सांप लेकर गिद्ध ने धम्म से छोड़ा। गिद्ध लाता है सांप को और हरिया के सर पर छोड़ देता है। हरिया डरता है और हरिया डफर बोल जल्दी भाग खड़ा हुआ। हरिया उसको बोलता है, हरिया उसको क्या बोलता है उस गिद्ध को, कि डफर, और जल्दी इतना तो डर गया था, पूरा हड़बड़ा गया, उसका शरीर जो है सिहरन होने लगी है, कपकपाते रहता है और वो तुरंत भाग खड़ा होता है। तो ये ट्रिक है, हरिया के सर पर पंजे में सांप लेकर गिद्ध ने धम से छोड़ा, हरिया डफर बोल जल्दी भाग खड़ा हुआ। तो हरिया से हरियाणा, पंजे से पंजाब, सांप से सांग, गिद्ध से गिद्धा, धम से धमान और डफर से वो डफ हो गया और भाग खड़ा से भांगड़ा। आइए उत्तराखंड को देख लेते हैं। उत्तराखंड यहीं पर है, उत्तराखंड में है चाचरी, झोला, छपेली, झुमैलो, जागर, छोलियाँ। चाचरी, झोला, छपेली, झुमैलो, जागर, छोलियाँ, इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, इसको देख लीजिए ट्रिक कैसे है। आप लोग कहते हैं उत्तरी की क्या बात है, तो इसी तरीके से देखिए, उत्तरी की चाची झोला में छिपकली लेकर बच्चों के बीच जाकर कहती है। चाची जो है ये पागल हो गई है, समझे, ये एक प्रकार की चाची है, एक गाँव की एक चाची है, काफ़ी पागल हो गई है। तो कोई सब लड़का बोलता है इसको कि उत्तरी की चाची झोला में छिपकली लेकर बच्चों के बीच जाकर कहती है, झूम लो सब और फटाफट झोलियाँ लाओ और छिपकली पाओ। खुद तो छिपकली पकड़ पकड़ कर ले जा करके और बच्चों के संग बांटती भी है। तो उत्तरी की चाची झोला में छिपकली लेकर बच्चों के बीच जाकर कहती है, झूम लो सब और फटाफट झोलियाँ लाओ छिपकली पाओ, पकड़ पकड़ के बांटती है बच्चों में। तो उत्तरी की से उत्तराखंड आप लोग, चाची से चाचरी, झोला से झोला, छिपकली से छपेली, के बीच से साइलेंट रहेगा, जाकर से जागर, यहाँ पर याद रखिए क ख ग आ जाएगा, यहाँ पर पहले जाकर है, यहाँ पर ग हो गया, जागर, जाकर से जागर, झूम लो से झुमैलो और फटाफट साइलेंट, झोलियाँ से छोलियाँ आप लोग याद रख सकते हैं। तो उत्तरी की चाची झोला में छिपकली लेकर बच्चों के बीच जाकर कहती है, झूम लो सब और फटाफट झोलियाँ लाओ छिपकली पाओ। आइए असम को देखते हैं। बिहू ये काफ़ी फेमस है, बिहू इसको देखते हैं। बिहू, बिछुआ, कपी, कली गोपाल, झुमुरा, कौन कौन है, बिहू, बिछुआ, कली गोपाल, झुमुरा, असम यहाँ पर है, पूर्वोत्तर राज्य है। आइए इसका देख लेते हैं ट्रिक क्या है। आसमान से बिच्छू गिरा बहू जब झूम रही थी, कल गोपाल ने उसे मार दिया। क्या हुआ, तो कल गोपाल जो है यही बहू की देवर है, वही इसको मार देता है, किसको, तो बिच्छू को। तो आसमान से बिच्छू गिरा बहू जब झूम रही थी, कल गोपाल ने उसे मार दिया। तो आसमान से असम, बिच्छू से बिछुआ, बहू से बिहू और झूम से झुमुरा। आप लोग झूम रही से आप लोग आपको र यहाँ से भी ले सकते हैं रा का, तो झूम से झुमू बना है और र से रा, तो झुमुरा। और कल गोपाल से कली गोपाल आप लोग याद रख सकते हैं, कल गोपाल से कली गोपाल।
तो कल गोपाल ने उसे मार दिया। आइए झारखंड को देखते हैं। झारखंड देखिए बिहार के बस नीचे पड़ता है। झारखंड छऊ पैका गोंग माघे, छऊ पैका गोंग और माघे, माघे मेघ से माघे बन सकता है। आइए इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिक में देखिए, झरना से छह पैसा गोगा जादूगर ने मेघ में उड़ाया। एक जो जादूगर है वो झरना में पैसा फेंकता है और वहीं से उड़ा देता है आसमान में, मेघ मतलब बादल में। तो झरना से ये गोगा नाम का एक जादूगर था, काफ़ी फेमस था। जिस प्रकार से पीसी सरकार जादूगर है उसी प्रकार से गोगा जादूगर भी था एक। तो झरना से छह पैसा गोगा जादूगर ने मेघ में उड़ाया, तो झरना से झारखंड, छह से छऊ, पैसा से पैका, गोंगा से गोगा से गोंग और मेघ से माघे में उड़ाया साइलेंट। तो इस तरीके से आप लोग याद हो सकता है, छऊ पैका गोंग माघे, झरना से छह पैसा गोगा जादूगर ने मेघ में उड़ाया। आइए अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, सबसे ऊपर है। इधर जो है आप लोग जम्मू कश्मीर का एक भाग जो है ऊपर वाला पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, इधर जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और इधर वाला चाइना के कब्जे में है, तो LOC और LAC कहलाता है, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं जम्मू कश्मीर का। वहाँ पर फेमस है राउफ, हिकात और मंदजास। कौन कौन? राउत, हिकात और मंदजास। और फ्रेंड्स आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है और भारत, जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो है पाकिस्तानी उधर से आपको घुसपैठ होते रहती है, उधर से आतंकवादी जो है भारत में प्रवेश करते रहते हैं और काफ़ी युद्ध होते रहता है। तो इसको लेकर के आपको पता होनी चाहिए कि भारत जो है राफेल सौदा किया है। राफेल एक विमान है, लड़ाकू विमान है राफेल, आप सभी को पता होगा। राफेल एक लड़ाकू विमान है, काफ़ी आजकल न्यूज़ में चर्चा में भी है, सुनने में आ रहा होगा। राफेल एक लड़ाकू विमान है और वह फ्रांस से खरीदा गया है। और मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में राफेल हकीकत में उड़ता है क्या? पाकिस्तान अब मंद मंद जासूसी करेगा। मतलब भारत जो है राफेल विमान खरीद करके अब जा करके जम्मू कश्मीर के ऊपर उड़ाता है, उड़ा रहा है। क्यों? अपना सैन्य ताकत दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान तो मान जाओ, नहीं तो देखो हमारे पास राफेल विमान है। तो उधर से पाकिस्तान का जो सेना है वो सोचता है, उसके अधिकारी पूछता है अपने छोटे अधिकारी से कि सच में राफेल को उड़ा रहा है सब क्या जम्मू कश्मीर में? तो बोल रहा होगा कि हाँ या नहीं। तो अभी ये बोल रहा है अधिकारी, जो बड़ा वाला अधिकारी, कि अब जो है पाकिस्तान को मंद मंद जासूसी करना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे क्या किया है या कहाँ से खरीदा है। अब जासूसी करके अब इस पर मतलब कार्रवाई करना पड़ेगा, अब आक्रमण करना पड़ेगा, उधर का सोच रहा है सब। तो जम्मू कश्मीर में राफेल हकीकत में उड़ता है क्या? पाकिस्तान अब मंद मंद जासूसी करेगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर राफेल का जो है राफे से राव, यहाँ पर देखिएगा राफेल जो है राफेल, राफेल तो राफे से राउफे, राउफे देखिए ये राफे जो है राफे से राउफ बना है, राफे से राउफ, ल यहाँ पर साइलेंट रखिएगा, राफे से राउफ, हकीकत से हिकात, पाकिस्तान अब साइलेंट है और मंद का एक मंद ले लीजिएगा और जासूस का जास, तो मंद जास, मंद मंद जासूसी करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में राफेल हकीकत में उड़ता है क्या? पाकिस्तान अब मंद मंद जासूसी करेगा, ये भी साइलेंट रहेगा फ्रेंड्स, करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इतना ही था इस वीडियो में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ राज्यों को लेकर के आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग बताइए, मैं पूरे राज्य का अच्छे तरीके से पूरा का पूरा फिगर बना करके इसे भी अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा पूरे राज्य का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको फिर ये टॉपिक पर देखना हो पूरे राज्य का तो आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल इसे भी अच्छे तरीके से ट्रिक बनाऊँगा और सारे राज्यों का बनाऊँगा क्रमवार रूप से। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।